हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्लास फर्स्ट में आने से पहले बच्चों को कौन कौन सी प्री प्राइमरी क्लासेस कराई जाती है। बिकॉज नॉर्मली बच्चों को ये जो पढ़ाई स्टार्ट होती है वो प्री प्राइमरी से होती है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में काफ़ी कुछ सिखा दिया जाता है, जैसे कि पेंसिल को होल्ड करना, लाइन्स को ड्रॉ करना, बोलना एंड बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। सो अलग अलग स्कूल में इन क्लासेस का पैटर्न भी अलग अलग होता है। किसी स्कूल में नर्सरी से पहले प्री नर्सरी होता है, किसी स्कूल में सिर्फ नर्सरी एंड केजी होता है, तो कहीं कहीं पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी होता है एंड कहीं कहीं पर नर्सरी होता ही नहीं है, सीधा एलकेजी और यूकेजी होता है और उसके बाद बच्चा क्लास फर्स्ट में जाता है। सो पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इन सभी क्लासेस को लेके, क्योंकि प्री प्राइमरी क्लासेस के नेम बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, पीपी1, पीपी2, जेकेजी, एसकेजी, केजी1, केजी2। सो डिफरेंट डिफरेंट नेम होने की वजह से पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों का किस क्लास में एडमिशन कराएं। जब भी वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सी क्लास पहले होती है और कौन सी क्लास बाद में होती है। सो आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो की हेल्प से क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास फर्स्ट से पहले बच्चों की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, किस एज के बच्चे को किस क्लास में एडमिशन कराना चाहिए, कौन सी क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों की जो सबसे पहली क्लास होती है वो होती है प्री नर्सरी। प्री नर्सरी का मतलब होता है जो नर्सरी से पहले की क्लास होती है उसको हम कहते हैं प्री नर्सरी। बच्चा पहले प्री नर्सरी करता है, फिर नर्सरी करता है, उसके बाद बच्चा केजी करता है, फिर जाके वो क्लास वन में जाता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में इन्हीं सारे क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, जिनकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इन सारे क्लासेस के जो नेम होते हैं वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं बच्चों की क्लास वन से पहले, वो सिर्फ 3 साल की होती हैं, जिसमें बच्चा प्री नर्सरी फिर केजी करता है। तो इन्हीं क्लासेस को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में। जैसे कि किसी किसी स्कूल में प्री नर्सरी, नर्सरी उसके बाद केजी होता है, तो किसी स्कूल में उस प्री नर्सरी को ही नर्सरी कहते हैं, उसके बाद बच्चा एलकेजी करता है, फिर बाद यूकेजी में बच्चा जाता है, फिर उसके बाद बच्चा क्लास वन में जाता है। इसी तरीके से किसी किसी स्कूल में नर्सरी होता है एंड पीपी1, पीपी2 यानी कि जो नर्सरी एलकेजी होता है उसी को हम पीपी1 कहते हैं, और जो केजी यूकेजी होता है उसको हम कहते हैं पीपी2। तो बच्चा पहले नर्सरी करता है, फिर पीपी1 करता है, फिर पीपी2, उसके बाद बच्चा क्लास वन में जाता है। तो कहीं कहीं स्कूलों में जो प्री प्राइमरी क्लास होती है उसको नर्सरी कहते हैं, केजी1 कहते हैं और केजी2 कहते हैं, या फिर कहीं कहीं स्कूलों में नर्सरी, फिर जेकेजी यानी कि जूनियर किंडरगार्टन, उसके बाद एसकेजी यानी कि सीनियर किंडरगार्टन, उसके बाद बच्चा क्लास वन में जाता है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस हैं इनके सिर्फ नेम डिफरेंट होते हैं, बाकी जो बच्चों का एज क्राइटेरिया है या फिर बच्चों का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका एज क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, किस एज के बच्चे को किस क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्लासेस होती हैं, जैसे कि प्री नर्सरी, नर्सरी, ये सारी जो क्लासेस होती हैं, ये बच्चा जब 3+ होता है, यानी आपका बच्चा अगर 3+ है, 3 साल से ऊपर का है, तभी आपका बच्चा इन सारी क्लासेस के लिए एलिजिबल होता है। तो नर्सरी की जो एज क्राइटेरिया होती है वो है 3+। उसके बाद जब आपका बच्चा इन क्लासेस में जाता है, चाहे वो नर्सरी हो, एलकेजी हो, पीपी1 हो, केजी1 हो या फिर जेकेजी हो, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो होता है 4+, यानी कि आपका बच्चा 4 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा केजी में जाता है या फिर यूकेजी में, पीपी2, केजी2 या फिर एसकेजी में जाता है, तब आपके बच्चे की जो एज है वो 5+ होनी चाहिए, यानी कि जब आपका बच्चा क्लास वन में जाता है तब तक उसकी जो एज है वो 6 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका बच्चा अगर 6 साल का कंप्लीट है तभी वो क्लास वन में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो स्टेट में या फिर आपके जो आसपास स्कूल्स हैं उस स्कूल में किस टाइप के पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, तो आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चे का एडमिशन, जो भी आपके बच्चे का एज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का एडमिशन जिस क्लास में चाहे उस क्लास में करा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन क्लासेस में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर है प्री नर्सरी, सबसे पहली जो क्लास होती है बच्चों की प्री नर्सरी। बच्चे को प्री नर्सरी में पढ़ाया जाता है कुछ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, इस तरीके की चीज़ें बच्चों को कराई जाती हैं।
जिससे कि बच्चा अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखता है और पहचानना सीखता है। बच्चों को कुछ इंग्लिश की पोएम्स और कुछ हिंदी की पोएम भी कराई जाती हैं। तो प्री नर्सरी के बच्चों को स्वर आ से आह तक सिखाया जाता है और इंग्लिश में लेटर कैपिटल लेटर ए टू जेड सिखाया जाता है। मैथ्स में नंबर 1 to 20 या नंबर 1 to 50 भी सिखाया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को बच्चों को लिखना और आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। उसके बाद जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तब थोड़ा सा सिलेबस हार्ड कर दिया जाता है। नर्सरी क्लास में या फिर LKG PP1 KG1 JKG इन सभी क्लास में सेम पढ़ाई होती है। यानी इंग्लिश में नर्सरी क्लास के बच्चे को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके बाद बच्चों को इन्हीं लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, इन्हीं लेटर्स को लिखना सिखाया जाता है एंड रीडिंग करना सिखाया जाता है। फिर हिंदी में बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को 2 अक्षर के शब्द 3 अक्षर के शब्द एंड 4 अक्षर के शब्द भी करा दिए जाते हैं। उसके बाद मैथ में बच्चों को नंबर्स सिखाए जाते हैं, 1 to 100 नंबर्स बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को नंबर नेम सिखाया जाता है, फ्रॉम 1 to 10 बच्चों को नंबर्स की स्पेलिंग सिखाई जाती है 10 तक। एंड EVS में बच्चों को कुछ फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सारी चीज़ें बच्चों को ओरल में कराई जाती है। फिर आता है नेक्स्ट क्लास। इन क्लासेस में लेवल्स थोड़े से और बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि बच्चों को यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल स्मॉल लेटर के अलावा वॉवल्स करा दिए जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कराए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को आर्टिकल सिखाए जाते हैं, ए एंड CVC वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि BAT बैट, CAT कैट, इस तरीके के CVC वर्ड्स और जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसा साउंड करते हैं, जैसे पैन, मैन, कैन, इस तरीके के राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं। एंड हिंदी में बच्चों को सिखाया जाता है स्वर एंड व्यंजन, और जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सारी KG क्लास में सिखा दी जाती हैं, जिससे कि बच्चा जब क्लास 1 में जाए तो उसे उस टाइम पे बुक्स को रीड करना आ जाए। इसके साथ साथ मैथ्स में बच्चों को कराए जाते हैं 1 to 100 नंबर्स एंड 1 to 100 नंबर नेम्स कराए जाते हैं। इसके साथ साथ बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को कराई जाती है फ्रॉम 100 to 1। इसके अलावा बच्चों को कुछ शेप्स नेम इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं एंड कुछ कलर्स नेम इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। एंड EVS में बच्चों फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स नेम, सीजन्स, होम्स, क्लोथ्स, फूड्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो KG क्लास में सिखाते हैं वही UKG PP2 एंड KG 2 SKG में बच्चों को सिखाया जाता है। यानी कि ये सारी क्लासेस सेम होती हैं, इनका जो सिलेबस होता है वो भी सेम होता है। इन सभी क्लासेस के सिलेबस की डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा कि किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू प्री प्राइमरी क्लासेस। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।